नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। छठवां चरण बीतने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक गर्माहट तेज हो गई है। कारण ये रहा है कि अयोध्या के डीएम का जो आवास की पट्टिका होती है उसके रंग को बदलने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सुर्खियाँ होती हैं कि शायद सरकार बदलने वाला है, और ऐसी अफवाहें भी फैलती हैं कि सरकार बदलने से पहले ही जो है अधिकारी अपना कलर और अपने जो है नेम प्लेट की पट्टियों का कलर बदले जा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें कई जगहों से आईं, अयोध्या के डीएम की जो है कार्यालय की तस्वीरें आईं, उसके बाद लोहिया पार्क की लखनऊ की तस्वीरें आती हैं, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आती हैं, और अफवाह ये फैलाई जाती है और सोशल मीडिया पर ये खबरें उठती हैं काफ़ी तेज़ी से कि जो है सरकार बदलने वाली है, इस कारण रंग बदला जा रहा है। अब इन अफवाहों में, इन दावों में अधिकांश ये दावे सपा के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे अयोध्या के डीएम आवास के कार्यालय की पट्टिका के रंग बदलने को लेकर। जी हाँ, दरअसल मामला ये है कि रामनगरी अयोध्या के जिलाधिकारी आवास के बोर्ड का रंग बदलने के मामले में शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई है। विवाद के तूल पकड़ने के बाद अब पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर अजय कुमार शुक्ल को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को संज्ञान में लिए बिना डीएम आवास का रंग बदल दिया गया था। आपको यह भी बता दें कि अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर मरम्मत का काम चल रहा था, इस दौरान उनके आवास के बोर्ड का रंग बदलकर भगवा से हरा कर दिया गया। हालांकि विवाद के बाद रंग बदलकर फिर से लाल कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि इसके पहले बोर्ड के रंग बदलने को लेकर डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि हमारा आवास इस समय पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में अस्थायी रूप से है, जिसका बोर्ड अचानक पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने हरा रंग कर दिया। काम करने के दौरान फिर से उसको हरा कर दिया गया है। भले ही इस मसले पर डीएम ने सफाई दे दी, मगर अब सवाल यह उठता है कि ऐसे नाजुक वक्त में जब प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में डीएम आवास के बोर्ड का रंग बदलना कितना जायज था। हमने इस पूरे प्रकरण को आपके सामने रख दिया और पूरा मामला क्या हुआ है, डीएम के कार्यालय का रंग पट्टिका बदलने को लेकर डीएम ने क्या कहा है, इस पूरी बात को आपको बताया। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।